अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ वानी जी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत ही अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। ये खबर तो आप तक पहुंच गई होगी कि अलामा हाफिज साद हुसैन निजी साहब जनाब भावलपुर जलसा के बाद चोलीस्तान का उन्होंने विजिट किया और वहां पर जो कैद साली पड़ी हुई थी, पानी नहीं मिल रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, तो उनकी जो मदद की। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर मैंने आपके साथ एक अहम अपडेट और एक अहम खबर जो है वो शेयर करनी है। यकीनन जब आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो आपका दिल भी एक बार जरूर बाग-बाग हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अलामा हाफिज साद हुसैन निजवी साहब ने वहां पर जो गुरबा लोग थे उनके दरमियान राशन तकसीम किया और राशन तकसीम करते हुए किसी एक को भी चीज की हरगिज इजाजत नहीं दी कि जनाब वो किसी एक आदमी के साथ अपनी तस्वीर बना ले। जी नाज़रीन मोहतरम, ना खुद बनाई और ना ही किसी को बनाने की इजाजत दी कि जनाब तुम जो है इसके साथ तस्वीर बना लो। तो होता है असली लीडर इस तरह का। और नाज़रीन मोहतरम, इसको कहते हैं कि जनाब किसी की मदद करना, वो कहते हैं ना कि नेकी इस तरह करो कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता तक ना चले। और दूसरा, नाज़रीन मोहतरम, चोलीस्तान के इलाके के अंदर उन्होंने 250 नलके जो है वो लगाने का आर्डर जो है वो जारी कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहां पर 250 नलके जो है वो लग जाएंगे और पानी की जो किल्लत है वहां पर इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, अलामा हाफिज साद हुसैन निजी साहब वहां पर रेत के ऊपर जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। आप जहां पर भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब को, रब के हबीब को याद करना कभी नहीं भूलते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा जो कायद है वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर जो है वो चलने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेगी।